मंगलवार को शाजापुर जिले के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर थाली चम्मच बजाते हुए शहर में रैली निकाली गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की मांग है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, उनकी सीधी भर्ती की जाए, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाए, आयुष्मान योजना की पात्रता दी जाए। इनकी प्रमुख मांग है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को नियमित कर्मचारी बनाया जाए। इसके सहित अन्य मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दूसरे दिन शहर में रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई नेता हमारे पास नहीं आया है। अगर आने वाले 2 दिनों में हमको किसी नेता ने समर्थन नहीं दिया या सपोर्ट नहीं किया तो हम उनके ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ता का कहना है कि हम अपनी जायज मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें नेता और आम लोगों को हमारा सपोर्ट करना चाहिए। आज हमारा विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन था हड़ताल का। आज हमने शाजापुर के विभिन्न मार्गों से लेकर आज रैली निकाली है, जो ट्रैफिक पॉइंट से लेकर चौक होते हुए मगरा चौराहे होते हुए माता जी के मंदिर पर उसका समापन किया गया है। आज हमारा दूसरा दिन है विरोध प्रदर्शन करने का। अगर आज या कल में कोई नेता हमारे समक्ष नहीं आता है शाजापुर में यहाँ पर, तो हम उनके कार्यालय के सामने परसों 27 जनवरी को धरना प्रदर्शन करें। हमारी 28 तारीख तक चले थाली बजाकर हमने विरोध प्रदर्शन करा सरकार को जगा। हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज हम धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं। अगर हमारी इसमें 2 मेन मांगे हैं कि हमारे स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए, और दूसरा जब हमारी बहनें रिटायर होती है तो उन्हें एक मुश्त राशि दी जाए। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।